morning friends. Today we would like to talk about parts of speech. Not parts of speech, we will discuss only a single topic. As we all know, there are 8 types of parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, and interjection. So friends, today we will talk about noun. As we all know that noun is a name of person, place, animal or thing, but I would like to define it in a different way. एक अलग तरीके से हम इसको discuss करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह. ऐसा नहीं कि कहीं पे noun आता है और हम सीधे वहाँ पे बोल दें कि a noun is a name of person, place, animal or thing. ये तो सबको पता है, everyone knows it. But when we talk about in books, how will we find their noun? Suppose we have a single page and we are to find their noun, pronoun, adjective, adverb. Means different kind of parts of speech we have given and we are to find their noun. So today we will discuss how can we find noun there. First of all, noun kya hai? Noun ko Hindi mein संज्ञा बोलते हैं. तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि noun होता क्या है. Noun which we can see, जो हम देख सकते हैं. कैसे identify करेंगे? जैसे कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, a thing which we can see. I'm using here see, but there are different words by which we can explain here, but there are different word. I was saying that I was talking about see, watch and listen. See, watch and look. See means we don't want to see. We are walking anywhere and suddenly we see anything. कोई चीज हम देखना नहीं चाहते हैं, रास्ते में चल रहे हैं और अचानक से दिख जाती है, उसे see बोलते हैं. तो देखने के सेंस में बात कर रहा हूँ. और सेकंड थिंग है लुक. लुक मीन्स एक तो लगना होता है, कैसा लग रहा हूँ या आप अच्छे लगते हैं, इस टाइप से हम सेंटेंस बोलते हैं. तो एक तो लगना है. लगना यानी कि कहाँ से देख के, आंखों से देख के अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसके लिए हम लुक का प्रयोग कर सकते हैं. तो लुक मीन्स भी देखना होता है वैसे सिंपल वे में. और तीसरी चीज़ है वॉच. वॉच मीन्स देखना. तो वॉच जैसे हम कहते हैं I'm watching a movie, इस टाइप से. देखना जो है वर्ड, यहाँ पे सी वर्ड आया था तो मैंने सोचा कि डिफाइन कर दूँ तीनों की मीनिंग क्या होती है. तो हम कहीं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट वी आर गोइंग एनीवेयर, बिज वी डोंट वॉन्ट टू सी एंड सडनली वी सी दैट, अचानक से दिख जाती है, तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं. बट मैंने यहाँ पे सी कह दिया. तो समझना है हमें, नाउन की बात चल रही है वैसे भी यहाँ पे. तो थिंग्स विच वी कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं उन्हें नाउन कहते हैं. कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं? आप देखिए अपने चारों ओर, यू कैन सी योर ऑल अराउंड. एंड विच यू कैन सी दैट विल बी नाउन. जो भी चीज़ आप देख सकते हैं वो क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी. और दूसरी चीज, सेकंड थिंग विच वी कैन टच. देखने के अलावा दूसरी चीज, अगर दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो जिन चीज़ों को हम स्पर्श कर सकते हैं. तो स्पर्श करके आप देख लीजिए आपके चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगी? नाउन कहलाएंगी. दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड नाउन. थर्ड थिंग सी हो गया, टच हो गया एंड फील. सबसे बड़ी चीज़ है जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, थिंग्स विच वी कैन नॉट सी, विच वी कांट टच, वी कैन फील.
दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड नाउन, वो भी नाउन कहलाएंगी। जैसे फील क्या क्या चीजें कर सकते हैं, नंबर एक भूख, आई फील हंगर, प्यास, आई फील थ्रस्ट। तो जो जो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, प्यास, भूख, तो ये चीज़ें भी क्या हैं, और ठंडा है जैसे गर्मी है, यानी कि ये भी क्या है आपके नाउन है। सो फ्रेंड्स, आई होप इट विल गिव यू हिंट टू फाइंड नाउन। फाइनली वी कैन से एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग, इट इज नॉट वन वर्ड, एवरीथिंग इज नाउन, हर एक चीज क्या है नाउन है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो चीज क्या है, अगर वो वस्तु या कोई इस टाइप की चीजें आ रही तो आप मान लीजिए कि वो नाउन होंगी। हेयर वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। आई हैव और शॉर्ट ट्रिक, वो जल्दी याद कर सकते हैं इस विधि, इस मेथड से, PMACC, the types of noun we can learn by the help of this trick, PMACC. I would like to describe it in a funny way. हम इसको याद कर सकते हैं एक मजेदार तरीके से, PMACC. तो हमें इसको ऐसे याद कर सकते हैं, we can learn it this short trick, जो हमारे PM है वो क्या है, ACC सीमेंट से बने हुए हैं, यानी कि स्ट्रांग है, कहने का मतलब है, ऐसे याद करना है। प्रधानमंत्री ये किससे बने हैं, ACC सीमेंट से बने हैं। तो PM, नाउ वी वुड लाइक टू डिफाइन इट। पी मीन्स प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स इट इज अ नेमिंग वर्ड, प्रॉपर, इफ यू हैव गिवन नेम एनीवेयर, सो वी कैन फाइंड इजली दैट देयर इज प्रॉपर नाउन। सेकेंड है कॉमन नाउन, सॉरी ट्रिक के हिसाब से हमें डिफाइन करना है, तो सेकंड पे आ जाएंगे PM, M पे मटेरियल, मटेरियल, यू नो इट इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर से बना है मटेरियल। तो देयर वी ऑल नो दैट देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ मैटर, जो पदार्थ है, जैसे साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, थ्री स्टेजेस ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है आपको पता है, ठोस, लिक्विड तरल हो गया, एंड गैस यू ऑल नो। तो जो भी चीज़ें इसमें आएंगी, सॉलिड में जैसे आपका स्टोन आ गया, लिक्विड में आपका वाटर आ गया, और गैस में आपका LPG वगैरह, तो आप ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, PMA, यानी कि ACC बोला था मैंने, ए मीन्स एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। ये हमें किसके बारे में बताती है, भाव के बारे में, फीलिंग्स के बारे में बताती है, फीलिंग के बारे में बताती है कि किस टाइप की फीलिंग है, किस, इन विच स्टेज वी आर, कौन सी अवस्था में हम, किस अवस्था में, ये नहीं मतलब, जैसे हैप्पीनेस, काइंडनेस। अगला वर्ड है, अगला टाइप है CC, नाउ कॉमन पे आते हैं, कॉमन नाउन, वर्ड से ऐसा लगता है कॉमन, तो जैसे कि वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है काफ़ी हद तक कॉमन, कॉमन, बट कॉमन कैसे पहचानेंगे, ओ वर्ड विच इज़ यूज फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इफ यू वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ टीचर, टीचर का अगर एग्जांपल देना चाहते हैं, तो टीचर वर्ड एक कॉमन वर्ड है, जिससे ये पता नहीं चल रहा है कि वो
मेल है कि फीमेल है, स्टूडेंट, सेम केस यहाँ पे भी है, स्टूडेंट से ये पता नहीं चल रहा है कि गर्ल है कि बॉय है। लास्ट टाइप है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव वर्ड इज मेड अप ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन से बना है। कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्ट करना, जैसे कलेक्ट करना यानी कि एक से ज्यादा चीजों का जो जोड़ होता है, जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम आर्मी का। आर्मी क्या है, देखो कोई एक व्यक्ति तो उसमें नहीं है, सेना है पूरी। आर्मी को क्या बोलते हैं, थल सेना। तीन सेनाएं होती हैं, जैसे दूसरा एयरफोर्स हो गया, वायुसेना, और नेवी जल सेना। और ऐसी टीम, टीम वर्ड भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम का मतलब है यानी कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा जहाँ पे होंगे। सो फ्रेंड्स, होप दैट यूड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो much again.